मैं हूँ शिवाय देवनाथ। आज फिर से एक नया ट्यूटोरियल के साथ मैं आ गया हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ जावास्क्रिप्ट वर्सेस जेक्वेरी के बारे में। मतलब हम लोग जो कोड मैंने जो दिखाए थे लास्ट कुछ सीरीज में जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल में, आज इससे मैं जेक्वेरी शुरू करूँगा। मतलब जेक्वेरी का मैं एक इंट्रोडक्शन वीडियो ऑलरेडी डाल चुका था, लेकिन आज इसे मैं कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें दिखा के एक अलग से डिफरेंशिएशन दिखाई गई एक जावास्क्रिप्ट के ऊपर और एक जेक्वेरी के ऊपर। तो जावास्क्रिप्ट और जेक्वेरी ये दोनों जो चीजें हैं, ये दोनों अलग अलग तरीके से काम होता है। बट बेसिकली जेक्वेरी जावास्क्रिप्ट से बेहतर है, ये भी हम लोग जानते हैं। बट किस तरह बेहतर है, क्या क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज क्या है, ये हम लोग देखेंगे ये दोनों चीज़ को साइड बाई साइड कंपेयर करके। ओके, तो चलते मेरे इस ट्यूटोरियल में। तो पहले हम लोग देखेंगे दोनों में हम लोग एचटीएमएल पेज डेफिनेटली लेना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे भी एक एचटीएमएल पेज लिया और यहाँ पे भी मैं एक एचटीएमएल पेज लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह पे मैंने एचटीएमएल पेजेस ले लिया हूँ। तो दोनों जगह पे एचटीएमएल पेज के अलावा काम नहीं हो सकता, तो एचटीएमएल पेज डेफिनेटली ज़रूरत पड़ेगा। तो एचटीएमएल पेज के बाद यहाँ पे बेसिक टेम्पलेट भी ले लेता हूँ। तो यहाँ पे ये जावास्क्रिप्ट वाला फोल्डर है, तो यहाँ पे script स्क्रिप्ट सोर्स करके यहाँ पे script स्क्रिप्ट डॉट js करके ये वाला यहाँ पे ले लिया। और यहाँ पे भी जेक्वेरी फोल्डर में वो भी सेम है, बट यहाँ पे script स्क्रिप्ट सोर्स यहाँ पे भी स्क्रिप्ट करके यहाँ पे भी इसको ऐड कर दिया हो। लेकिन जेक्वेरी में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि जब हम लोग जेक्वेरी में काम करते हैं तो जेक्वेरी का लाइब्रेरी जो है, मतलब जेक्वेरी का प्री रिटर्न कुछ फंक्शंस है, तो प्री रिटर्न जो फंक्शंस है उस फंक्शंस को या उस सारी चीज़ों को हम लोगों को पहले एक एज ए डिपेंडेंसी लगाना पड़ेगा। डिपेंडेंसी मतलब, क्योंकि यहाँ पे जो भी कोड लिखेंगे उसका लिए डिपेंडेंट होना पड़ेगा मुझे एक लाइब्रेरी के ऊपर, जिस लाइब्रेरी का नाम है जेक्वेरी। तो उसके लिए हम लोगों को jQuery.com में पहले जाना होगा। यहाँ से यहाँ पे jQuery.com में जाके डाउनलोड jQuery इस सेक्शन पे जाना होगा, और यहाँ पे डाउनलोड द कॉम्प्रेस प्रोडक्शन वर्सन जो है इसको ही डाउनलोड करना है, और इसको राइट क्लिक करके सेव एज करके डाउनलोड कर लेना है। लेकिन यहाँ पे जो वर्सन नंबर है ये मैंने आउट कर देता हूँ, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैंने इसको हटा के ये जो jQuery फाइल है मैं इसको jQuery फोल्डर में डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये आ गया jQuery फोल्डर। और उसके बाद यहाँ पे हम लोगों का स्क्रिप्ट फाइल क्रिएट करना होगा, script.js फाइल क्रिएट करना है। और यहाँ पे script.js यहाँ पे भी लिख देता हूँ। तो ये दोनों जगह पे script.js, बट जावास्क्रिप्ट के टाइम पे क्या है, यहाँ पे किसी भी तरह का डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं है। बट jQuery के टाइम पे हम लोगों को एक डिपेंडेंसी फाइल की जरूरत पड़ा, जो कि jQuery.js। तो ये रहने में कुछ एडवांटेज भी है, कुछ डिसएडवांटेज भी है, तो वो मैं साइड बाई साइड में लिख कर दिखाता हूँ, तब जाके और भी अच्छी तरह से पता चल जाएगा। ओके, तो ये HTML पेज की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब ज़रूरत नहीं है, मतलब ज़रूरत तो डेफिनेटली पड़ेगा, बट मैंने अभी इसके लिए इसको बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पे
ये जो पार्ट है मैंने इसको स्प्लिट कर लेता हूँ। एक साइड पे मैं jQuery वाला फोल्डर का फाइल रखता हूँ स्क्रिप्ट, और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट वाला फाइल मतलब जावास्क्रिप्ट का जो स्क्रिप्ट है वो मैंने रखता हूँ। तो दोनों का सेम ही काम करेगा, बट दोनों का कोडिंग किस तरह होगा अलग अलग से वो पहले देखते हैं। तो पहले बेसिकली क्या है, मुझे अगर HTML पेज अगर रखना है, जैसे कि यहाँ पे HTML पेज है और यहाँ पे भी मैं ये HTML पेज दोनों पेज अलग अलग साइड बाई साइड रख देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, पहले मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट यूज़ करता हूँ, एलिमेंट नेम यहाँ पे DB देता हूँ, डीप आईडी करके यहाँ पे ये आईडी का नाम मैंने आउट दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम चीज दे देता हूँ, डीप क्लास सॉरी क्लास नहीं, यहाँ पे भी आईडी ये आउट बोलकर यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ, ठीक है। तो दोनों जगह पे दो सेम नेम का एलिमेंट डाल दिया, बट jQuery में क्या है, एक्स्ट्रा डिपेंडेंसी की जरूरत है jQuery फाइल्स की। तो यहाँ पे jQuery.main.js ये फाइल को यूज करना है, और ये हमेशा स्क्रिप्ट जो है मतलब जो कि हम लोगों का फाइल है उसके ऊपर में लगाना है, ठीक है। तो इसी तरह हम लोगों को ये सेटअप करना है। तो ये हुआ jQuery का सेटअप और ये हुआ जावास्क्रिप्ट का सेटअप, ठीक है। तो ये बेसिकली दोनों का सेटअप हो गया अभी स्क्रिप्टिंग में। अभी स्क्रिप्टिंग में क्या है, मुझे ये जो एलिमेंट है आउट वाला जो एलिमेंट है इसको मुझे इसके अंदर मुझे कुछ डेटा दिखाना है थ्रू जावास्क्रिप्ट से। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग var डॉक्यूमेंट var आउट बोलकर यहाँ पे एक वेरिएबल डाल देता हूँ। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी यहाँ पे आईडी का नेम आउट दे देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया गेट एलिमेंट बाय आईडी आउट, और उसके बाद यहाँ पे आउट इक्वल आउट डॉट इनर एचटीएमएल करके यहाँ पे क्या करता हूँ, हेलो स्टूडेंट्स। तो ये यहाँ पे दिखाया, तो अभी इसको देखना होगा। तो इसके लिए हम लोगों को इसको ब्राउजर में जाना होगा, ब्राउजर में मैं इसको ओपन किया तो यहाँ पे हेलो स्टूडेंट्स दिखाई दिया, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आ गया, और उसके बाद यहाँ पे भी मैं इसको भी आउटपुट में दिखाएगा बट अभी नहीं। तो अभी के लिए पहले यहाँ पे स्क्रिप्ट ये जो कोड है दो लाइन का एक सेम कोड मैंने यहाँ पे भी यूज़ करता हूँ। लेकिन jQuery में मजे की चीज़ ये है कि मुझे यहाँ पे दो लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मुझे एक लाइन में काम हो जाएगा। या फिर डॉलर कोलोन यहाँ पे हैश out आउट डॉट यहाँ पे html जहाँ पे हेलो students स्टूडेंट्स, बस काम खत्म। तो यहाँ पे इसको भी एक बार देख लेता हूँ, हो गया आ गया। दोनों अलग अलग फाइल है बट दोनों का आउटपुट सेम है, और दोनों का जो लिखने का जो चीज़ है वो भी काम कर रहा है, ठीक है ना। तो अभी देखते हैं इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे मुझे ये जो हेलो स्टूडेंट्स है इसके अंदर मुझे कलर डालना है। तो मुझे अगर इसमें कलर डालना है तो कैसे करेंगे, डॉट स्टाइल डॉट कलर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कलर रेड डाल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे किस तरह करना है, यहाँ पे थोड़ा मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ, यहाँ पे कहाँ पे कहीं पे भी हो कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ पे CSS CO LO और कलर रेड, चलते यहाँ पे भी रेड। अगर मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ बेहतर होगा, तो ये ग्रीन हो गया और ये रेड ही है। तो बेसिकली इस तरह ये बन रहा है। तो बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे प्रॉपर्टी के ऊपर डेटा असाइन कर रहा हूँ, यहाँ पे फंक्शंस के ऊपर डेटा असाइन हो रहा है। तो बेसिकली jQuery एक लाइब्रेरी है, तो jQuery लाइब्रेरी होने के वजह से क्या हुआ, यहाँ पे सारे काम के लिए अलग अलग फंक्शंस बनाया गया है। और यहाँ पे क्या है, जावास्क्रिप्ट में हर काम के लिए अलग अलग प्रॉपर्टी है, जावास्क्रिप्ट की प्रॉपर्टी, जो कि इस प्रॉपर्टी को कॉल किया गया है इसी के अंदर, तब जाके ये फंक्शन बना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो काम कर रहे हैं यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा लिखने पड़ रहा है, यहाँ पे थोड़ा बहुत ही कम लिख के काम हो जा रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक बटन रखता हूँ, बटन, इस बटन के ऊपर क्लिक मी लिख देता हूँ, और ये सेम बटन को मैंने इसको इसी सेक्शंस पे jQuery इनके सेक्शंस पे भी डाल देता हूँ, ठीक है। तो अभी इस बटन के ऊपर जब क्लिक होगा तब जाके हम लोगों का डेटा कैसे चेंज होगा। तो यहाँ पे अगर जावास्क्रिप्ट से करना है तो क्या करें, var पहले बटन का इंस्टेंस लेना होगा, तो btn बटन का इंस्टेंस लेने के लिए document dot query selector करता हूँ, ये बेहतर होगा। query selector बोलकर एक मेथड है, इस मेथड पे button बटन जो कि एलिमेंट नेम है इसको यहाँ पे लिया। उसके बाद मुझे इस आउट वाला सेक्शंस पे डेटा को डालना है, तो उसके लिए क्या करना है, मुझे दो तरीके से कर सकते थे, बट मैं यहाँ पे जो तरीका यूज़ कर रहा हूँ जावास्क्रिप्ट से, मैं एक लिसनर मेथड को यूज़ करके जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही हम लोग डेटा को पुश करेंगे। तो यहाँ पे बटन डॉट एड इवेंट लिसनर बोलकर एक मेथड है, जिस मेथड के अंदर यहाँ पे क्या कर रहे, यहाँ पे कर रहे कि क्लिक, जब यहाँ पे क्लिक होगा तब जाके यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शंस यहाँ पे यूज कर दिया गया है, मतलब अभी मैं कर रहा हूँ। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आउट में आउट डॉट इनर एचटीएमएल में क्या करता हूँ, यहाँ पे यू क्लिक मी राइट, तो ये हो गया इसका पार्ट। तो अभी जावास्क्रिप्ट में ये वाला पार्ट हो गया, jQuery में किस तरह ये लिखेंगे इस काम को करने के लिए। jQuery में इस काम करने के लिए यहाँ पे जस्ट ये जो बटन का जो इनिशिएट है वो मैंने करेंगे कुछ इस तरह, button बटन, जो कि बटन का नाम डायरेक्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद ये जो एड इवेंट लिस्टनर जो है इस नेम को लिखेगा ओनली ऑन, और उसके बाद CLICK क्लिक, और इसके बाद ये जो वाला पार्ट है यहाँ पे फंक्शन लिखा, और इस फंक्शन के अंदर डॉलर ये जो वाला पार्ट है अभी हैस आउट बोलकर यहाँ पे आउट डॉट html इस तरह यहाँ पे लिखा कि यू क्लिक्ड ओके। तो ये दोनों चीजें साइड बाय साइड दिखा रहा हूँ, तो अभी देखते हैं बटन क्या है jQuery वाला। यहाँ पे देखें jQuery, और यहाँ पे सॉरी
जेक्वेरी तो दोनों फोल्डर के अंदर ही है, बट ये जेक्वेरी वाला है और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट वाला है। तो जावास्क्रिप्ट वाला लाल है और जेक्वेरी वाला ग्रीन है। तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो की लिखा, यहाँ पे यू क्लिक मी और यहाँ पे यू क्लिक्ड। तो बहुत ही सिंपल सा फंक्शन हुआ। तो ये हुआ दोनों का अलग अलग प्रोसीड्योर, जहाँ पे मैंने इस वाला पार्ट को भी सिलेक्ट कर लो, ये वाला पार्ट को भी दिखा रहा हूँ, मतलब साइड बाय साइड मैं जावास्क्रिप्ट और जेक्वेरी दोनों ही चीज़ मैं दिखा रहा हूँ। ओके, अभी चलते हैं यहाँ पे कुछ और भी कम करते, जैसे कि यहाँ पे कुछ फॉर्म बनाते हैं, उस फॉर्म को किस तरह जावास्क्रिप्ट से वैलिडेट करेंगे और किस तरह हम लोग उसको जेक्वेरी में करेंगे। ठीक है, ये दोनों मैं साइड बाई साइड दिखाता हूँ। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए एक फॉर्म इनपुट लेता हूँ। फॉर्म इनपुट ये लेता हूँ कि यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट करके यहाँ पे आईडी या नेम कुछ भी दे सकता हूँ, नेम करके दे रहा हूँ। फुल नेम और उसके बाद यहाँ पे प्लेस होल्डर इनपुट योर नेम, ये वाला यहाँ पे दे दिया। तो ये जो सेक्शन है इसको यहाँ पे सेम चीज यहाँ पे भी मैं कॉपी कर देता हूँ। तो ये हो गया इनपुट कम कराने के लिए, कम पे लगाएगा। तो यहाँ पे क्या है, मुझे फिर से इसका एक इंस्टेंस बनाना होगा। यहाँ पे इंस्टेंस बनाएंगे, तो यहाँ पे इंस्टेंस बनाने के लिए पहले मुझे एक var inp इनपुट करके ले रहा हूँ। यहाँ पे भी सेम डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर यूज़ करेगा तो बेहतर होगा। तो क्वेरी सिलेक्टर यूज़ करके यहाँ पे क्वेरी सिलेक्टर क्या है, यहाँ पे इनपुट इनपुट यहाँ पे नेम इक्वल टू यहाँ पे एफ यू डबल एन एम ई फुल नेम करके ये प्रॉपर्टी को इस तरह सिलेक्ट कर लो। ठीक है, तो ये हुआ क्वेरी सिलेक्शन प्रोसेस, जो कि यहाँ पे सिलेक्ट किया। अभी इसके अंदर वैल्यू जो है, ये यहाँ पे वैल्यू हम लोगों को डालना अगर होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू बोलकर यहाँ पे ऑप्शंस होता है, जहाँ पे सम डेटा फ्रॉम जेस करके यहाँ पे पहले मैं डेटा डाल के दिखाता हूँ जावास्क्रिप्ट से, क्योंकि चेकअप करना है। तो यहाँ पे देखते सम डेटा फ्रॉम जेस, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा। तो ये ऐसे ही तरीके से काम किया। तो जेक्वेरी में भी देखते हैं ये किस तरह काम करेगा। जेक्वेरी में जब हम लोग करेंगे तो जेक्वेरी में इस सिलेक्शन क्वेरी वाला जो पार्ट है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा था, तो इसी प्रोसेस को ये क्वेरी सिलेक्शन वाला प्रोसेस सेम ही है। तो यहाँ पे मैंने इसको डायरेक्ट कॉपी कर लिया, जो कि सेम चीज है। उसके बाद यहाँ पे डॉट वैल करके यहाँ पे जेक्वेरी डेटा, जेक्वेरी डेटा करके ये जेक्वेरी डेटा मैंने यहाँ पे डाल देता हूँ। तो बेसिकली ये यहाँ पे देख लेता हूँ जेक्वेरी डेटा, स्पेलिंग मिस्टेक है बट क्यू यू यर वाई जेक्वेरी डेटा। तो जेक्वेरी डेटा यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह से डेटा मिल गया। अभी क्या है,
अभी हम लोग वैलिडेट करना है कि या फिर डेटा यहाँ से मतलब जावास्क्रिप्ट मॉडल से हम लोग डेटा तो दे दिए, लेकिन हम लोगों को मुझे इस तरह का जो चीज़ है ये चाहिए नहीं। मुझे चाहिए कि यहाँ पे डेटा जब आए तो उसको वैलिडेट करें कि उसमें डेटा है कि नहीं है। तो उसमें डेटा वैलिडेट करने के लिए क्या है, यहाँ पे कंडीशंस यूज़ करना है। इफ कंडीशंस यूज़ करके INT डॉट DALUE वैल्यू इक्वल टू नल अगर होगा तो क्या है, यहाँ पे अलर्ट करके यहाँ पे मैसेज दे देंगे कि प्लीज इनपुट ए नेम। ओके, तो ये हुआ। तो अभी देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ब्लैंक है, मतलब इनपुट योर नेम बोलकर ये प्लेस होल्डर में लिखा हुआ है, बट बेसिकली लिखा कुछ नहीं है, तो इसीलिए ये ब्लैंक है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यू क्लिक मी, डेफिनेटली यू क्लिक मी कर रहे, क्योंकि यहाँ पे ये बटन के साथ मैंने इसको बाइंड किया नहीं था, तो बटन के साथ मुझे बाइंड करना होगा। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे बटन के साथ बाइंड करने के लिए यहाँ पे जो फंक्शन है, यहाँ पे इस फंक्शन को मैंने कैसे अच्छा ये तो है ठीक है, बट मैंने इसको एक बार कॉपी करके यहाँ पे यूज़ करता हूँ नेक्स्ट टाइम, जो कि यहाँ पे क्लिक तो किया, बट यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये जो मेथड है इसको कट करके इसके अंदर डाल देता हूँ, तब जाके ये काम करेगा। तो अभी देखते हैं, रिफ्रेस करके क्लिक मी, ये वाला फायर हो रहा है क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से है, तो पहले वाला ही काम कर रहा है। अभी फिर से देखता हूँ, तो यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा है, क्यों नहीं काम कर रहा है इसको एक बार चेकअप कर लेता हूँ। चेकअप करने के लिए क्या करना है, हम लोगों को राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट किया था, और उसके बाद यहाँ पे कंसोल में जाना है। तो यहाँ पे क्लिक करके देख रहा हूँ कि कुछ डेटा यहाँ पे दिख नहीं रहा है, बेसिकली यहाँ पे जो वैल्यू जो आने वाला है वो वैल्यू यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो पहले इसको लॉग बोलकर या फिर बग फिक्सिंग वाला पार्ट है, INP डॉट VALUE वैल्यू देखता हूँ या फिर जब वैल्यू आता नहीं है तब यहाँ पे क्या दिखता है। यहाँ पे कुछ भी चीज़ नहीं दिख रहा है, मतलब ये नल नहीं, ये बेसिकली ब्लैंक कर रहा है। तो अभी यहाँ पे सेट करके देखता हूँ ठीक है, तो बेसिकली ये नल नहीं, ये ब्लैंक कर रहा है। तो बेसिकली जब भी ये ब्लैंक है तब यहाँ पे मैसेज दिख रहा है, और यहाँ पे अगर नेम दे दिया जाए, मैं अपना ही नाम दे रहा हूँ शिवाजी, तब कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे डायरेक्टली डेटा हम लोगों को दिखाई दिया, इसका मतलब यहाँ पे मुझे वैल्यू मिल गया। तो ये जो वैल्यू जब मिला तो क्या करें, इस इनपुट का जो वैल्यू है उस वैल्यू को हम लोग डायरेक्ट असाइन करेंगे इसके अंदर। तो सॉरी यहाँ पे नहीं, अभी करेंगे यहाँ पे पहले चेक करेगा, उसके बाद चेकिंग वाला पार्ट जो है वो अगर सही हो जाए उसके बाद यहाँ पे इस वैल्यू को डाल देगा। तो ये हुआ बेसिकली वैलिडेशंस, और यहाँ पे वैलिडेशंस क्या होगा, यहाँ पे पहले hello वाला पार्ट डालेगा, और उसके बाद यहाँ पे स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैटिनेट किया, कॉन्कैटिनेट करके यहाँ पे हो गया। इसका मतलब यहाँ पे नेम जा रहा है, जय विजय जो भी नाम दो आ जाता है। तो ये हुआ, और अगर कुछ दिया नहीं
तो बोल रहे नेम इनपुट करो और उसके बाद लग। तो ये हुआ बेसिकली बटन का इवेंट के ऊपर बेस करके, जब हम लोगों का ये बटन इवेंट हुआ उसके बाद हम लोग ये दिखा। तो जेक्वेरी में क्या करने हैं, जेक्वेरी में ये जो चीज़ें हैं ये तो था, बट हम लोगों को इसको मैं और एक बार कॉपी करके यहाँ पे जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ऑन और नहीं लिखेंगे, यहाँ पे और एक जेक्वेरी का मेथड है जिसका नाम है क्लिक। इस मेथड का नाम से मैंने यहाँ पे इसको यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पे ये जो लॉजिक है, लॉजिक बेसिकली सेम ही यूज होगा, सिर्फ थोड़ा प्रोसीड्योर अलग होगा। लॉजिक सेम है, लॉजिक बेसिकली यहाँ पे क्या सेम है, यहाँ पे हम लोगों को डॉलर करके पहले वो सिलेक्टर जो है बेसिकली उसका सिलेक्टर क्या है, सिलेक्टर मेरा ये है। तो बेसिकली ये एज ए सिलेक्टर मैंने यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, तो ठीक है। तो इस सिलेक्टर को मैं कर देता हूँ भर करके, इसका भी नाम INP कर देता हूँ। तो ये हो गया अपना सिलेक्शन, ठीक है। और ये जो बटन वाला जो पार्ट है, जो बटन क्लिक करके जो काम होता है, उसको मैंने यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये बटन सिलेक्टर से बटन के ऊपर क्लिक होगा तब जाके ये काम होगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो INP वाला जो वेरिएबल इनिशियलाइज किया गया है वो क्या है, jQuery का वेरिएबल है। मैंने पहले कभी इस तरह दिखाया नहीं है, बट ये बेसिकली जैसे कि मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्वेरी सिलेक्टर इतना बड़ा लिख रहा था, वो सिंपली इस तरह भी इनिशिएट हो जाता है जब मैंने यहाँ पे करता, ठीक है। तो ये वाला हो गया। अभी इसमें डॉट वैल करके यहाँ पे ये मेथड को डालना है। तो और उसके बाद अगर डेटा मिल जाता है तो करना ये है कि यहाँ पे डालना इसमें है। तो बेसिकली जब इसमें डालना है तो इसको कॉपी कर लेना है, डेटा उधर से उठाना है और वैल्यू इधर से लेना है, लेके यहाँ पे डाल देना है। तो ये हो गया। इसको थोड़ा देखने में कॉम्प्लिकेट लग रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत तरह का फंक्शंस, थोड़ा लगता है कि यहाँ पे बहुत ये फंक्शंस लिखा है, इसके बाद यहाँ पे लॉजिक लिखा है, यहाँ पे इनपुट वैल लिखा है, यहाँ पे जो वैल्यू है वो बेसिकली वैल फंक्शन है जो कि डेटा देने का, मतलब डेटा असाइन करने का और डेटा उठाने का काम दोनों ही करता है, मतलब गेट और सेट दोनों तरीके से काम कर जाता है। जैसे कि यहाँ पे वैल्यू भी करता है, जब हम लोग वैल्यू के ऊपर डेटा इक्वल देकर जब डालते हैं तब वो डेटा ले लेता है, और जब हम लोग लेफ्ट साइड, मतलब लेफ्ट साइड में रख के जब राइट साइड में डेटा देते हैं तो तब क्या होता है, डेटा यहाँ पे घुस जाता है। और यहाँ पे जब दूसरा कुछ चीज़ रहता है और यहाँ पे दाएं तरफ अगर डेटा, मतलब जो कि इनपुट वैल्यू जो है उसको जब लिया तो मतलब उधर से डेटा उठा लिया। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, जब हम लोग इस ब्रैकेट के अंदर कुछ डेटा लिखते हैं तो डेटा सेट होता है, जब हम लोग इस तरह लिखते हैं तब क्या होता है, डेटा गेट होता है। तो ये बेसिकली इसका फंडामेंटल। तो अभी इसका देखते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली कुछ डेटा है नहीं, क्यों नहीं है देखना पड़ेगा क्योंकि ब्लैंक तो होना नहीं चाहिए। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम बोल रहा है कि ब्रैकेट मिसिंग है, कहीं पे ब्रैकेट मिसिंग है 20 नंबर लाइन पे, देखो कुछ तो ब्रैकेट मिसिंग हो सकता है। ये वाला पार्ट है, यहाँ पे और एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट की ज़रूरत है जो कि
अभी ठीक है। तो यहाँ पे हेलो स्टूडेंट्स आ रहा है, तो यहाँ पे जॉय आएगा। जॉय मैं अपना ही नाम देता हूँ, शिवजी। हेलो शिवजी। तो ये हो गया डेटा आना। और अगर डेटा नहीं मिला तो क्या होगा? एज यूजुअल चूंकि हम लोगों का आउटपुट चाहिए था, वो आउटपुट हम लोगों को यहाँ पे मिल रहा है। तो बेसिकली ये हुआ फॉर्म वैलिडेशंस। तो इसी तरह हम लोग कुछ जेक्वेरी और जावास्क्रिप्ट दोनों का साइड बाय साइड रख के हम लोग दोनों का कोडिंग पैटर्न दिखाए। अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि जावास्क्रिप्ट और जेक्वेरी और भी किस तरह काम कर सकते, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट पे पूछिएगा। तो जितना आप लोग कमेंट करेंगे, जितना आप लोग शेयर करेंगे मेरे इस वीडियो को, उतना ही मेरा इंटरेस्ट बढ़ेगा नए नए वीडियोस बनाने का। और आप लोगों को अगर हेल्पफुल लगता है तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उन लोगों को मेरे साथ जुड़ने बोलिए, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात होगा। और जितना आप लोग मेरे वीडियो को शेयर करेंगे, फॉलो करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपना जो नॉलेज है उस नॉलेज को आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना वायरस के चलते, इस लॉकडाउन के चलते, मैं जो काम सोचा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, वो काम है कि फ्री में अपना जितनी भी नॉलेज है वो मैं यूट्यूब के थ्रू मैं दे रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है मेरे इस काम को, तो डेफिनेटली आप लोग शेयर करिए मेरे वीडियोस को, देखिए, पूछिए। और आप लोगों को कुछ सजेशन है, कुछ जानना है या कुछ सीखना है, वो यूट्यूब में शेयर करके, कमेंट करके और दूसरों के साथ शेयर करके जितने हो सके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, तभी जाके मेरे लिए ये काम करने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को मेरा ये जो नॉलेज है अच्छा लगा, मेरा जो लेक्चर है ये भी अच्छा लगा होगा। तो ज़रूर लाइक करिए मेरे इस वीडियो को, शेयर करिए आप लोगों के दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करिए मेरे इस चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।